इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 12 से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले की खबर मिल रही है। उमेश मिश्र कुशीनगर के डीएम बने हैं, महेंद्र सिंह तवर संत कबीर नगर के डीएम बने हैं, रविंद्र कुमार मंदार बिजनौर के डीएम बने हैं, प्रियंका निरंजन मिर्जापुर की डीएम बनी है, अंकित अग्रवाल रामपुर के डीएम बने हैं, प्रेम रंजन सिंह को डीएम एटा बनाया गया है। प्रशासनिक तबादला, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 12 से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले की खबर मिल रही है। उमेश मिश्र कुशीनगर के डीएम बने, रविंद्र कुमार मंदार बिजनौर के डीएम बने हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर रविंद्र कुमार मंदार के साथ साथ प्रियंका निरंजन मिर्जापुर की डीएम बने। अयोध्या के सारंगपुर में 52 फीट ऊंची हनुमान जी के मूर्ति के नीचे बने चित्रों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इन छोटे-छोटे चित्रों में एक जगह स्वामी नारायण के बड़े चित्र और उनके सामने हनुमान जी के छोटे चित्र बनी हुई है, जिसे अयोध्या के साधु संत हनुमान जी का अपमान बता रहे हैं। महंत राजूदास ने कहा कि स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों के सामने हनुमान जी को हाथ जोड़कर खड़ा दिखाया जाना दुखद है, उनके भी इष्ट हनुमान जी हैं, चित्र को तत्काल हटाया जाना चाहिए। हनुमान जी उनके इष्ट हैं, अब पता नहीं कैसे किस प्रकार से उन्होंने ऐसा कार्य किया, ये बहुत निंदनीय विषय है, ये जांच का विषय है और मैं निवेदन करता हूं तत्काल प्रभाव से उस चित्र को हटाया जाए और माफी मांगे। किसी कलाकार के द्वारा ऐसा हो सकता है, मुझको नहीं लगता कि स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि रोज आप देखेंगे 150 स्वामी नारायण संप्रदाय के संत महात्मा आके हनुमान जी महाराज का दर्शन और पूजन करते हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है, हनुमान जी सिर्फ जो है राम जी के सामने हाथ जोड़ते हैं और हनुमान जी से बड़ा कोई दुनिया में संत नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे कोई भी साधु संत जगत गुरु धर्माचार्य या कोई भी हो, वो हनुमान जी के नीचे ही रहेंगे, हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। हनुमान जी को जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं कि स्वामी नारायण के संतों को हनुमान जी हाथ जोड़े हैं, ये बेहद आपत्तिजनक है।